हेलो। बच्चों लोग आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो। ठीक, लास्ट क्लास का क्या था लास्ट टॉपिक? गुड आफ्टरनून, क्या था लास्ट टॉपिक? मिक्सचर, मिक्सिंग एंड मोलारिटी। तो कल हमने केस वन डिस्कस किया था, केस टू भी डिस्कस किया था। आई थिंक मैंने केवल केस वन डिस्कस किया था, जो सेम सर केस वन डिस्कस किए थे, केस टू बाकी था। केस वन पे क्वेश्चन कराए थे बस, और उसके बाद केस टू इज मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अपोजिट नेचर। देखो, अपोजिट नेचर बोलने का मतलब है, हम इधर हम एसिड प्लस बेस की बात कर रहे हैं, या मिक्सचर ऑफ टू रिएक्टिंग सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, फाइंड द मोलारिटी ऑफ 100 ml, फाइंड द मोलारिटी ऑफ 100 ml वन मोलर H2SO4 एंड 100 ml ऑफ वन मोलर NaOH। अब देखो, जो H2SO4 है ये क्या है? एसिड है। और जो NaOH है ये क्या है? बेस है। तो अगर हम एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हैं,
एसिड प्लस बेस को मिक्स कर रहे हैं तो क्या होगा, दोनों आपस में रिएक्शन करता है। तो बेसिकली एसिड का मतलब क्या होगा, कभी भी अगर एसिड प्लस बेस का मिक्सचर दे तो एसिड का मतलब है यहाँ पे क्या होना चाहिए, एच प्लस होना चाहिए, और बेस का मतलब क्या है यहाँ पे, ओ एच माइनस होना चाहिए। तो एसिड प्लस बेस, तो हमें क्या निकालना है, जब भी कभी एसिड और बेस का मिक्सचर हो तो पहले आप नंबर ऑफ मोल ऑफ एच प्लस निकालो, दोनों में देख लो कौन ज्यादा है। सो मोलारिटी ऑफ एच प्लस क्या होगा, 1:2, मोलारिटी ऑफ एच टू एसओ फोर 2, जैसे मैंने कल बताया था आपको। मोलारिटी ऑफ एच टू एसओ फोर 2 दैट इज 1:2, दैट इज 2 मोलर। And molarity of OH minus is 1 that is 1 molar into 1 that is 1 molar। तो अब यहां पे आप बेसिकली क्या है कि एसिड और बेस में मिक्स करेंगे तो एक इसमें कोई खत्म हो जाएगा या हो सकता है दोनों ही खत्म हो जाए, और यहां पे क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो क्वेश्चन में अगर कोई ज्यादा है तो उसका मोलारिटी भी हो सकता है, क्वेश्चन में अगर कोई सॉल्ट बनता है तो उसका भी मोलारिटी बोल सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या है कि आप नंबर ऑफ मोल के टर्म्स में जाओ, नंबर ऑफ मोल ऑफ एच प्लस निकालो, नंबर ऑफ मोल ऑफ ओएच माइनस निकालो, और फिर देखो कौन ज्यादा है। जैसे मैं नंबर ऑफ मोल ऑफ एच प्लस निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, मोलारिटी ऑफ एच प्लस इनटू वॉल्यूम, तो मोलारिटी ऑफ एच प्लस कितना हो गया, कितना है 2, और वॉल्यूम वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0.1, मतलब यहां पे 0.2 मोल एच प्लस है। एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ ओ एच माइनस अगर बात करें तो मोलारिटी ऑफ ओ एच माइनस इंटू बी, एंड मोलारिटी ऑफ ओ एच माइनस जो है वो कितना हो जाएगा 1 molar। सो 1 into वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0.1, दैट इज 0.1 मोल। तो कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है, एच प्लस और ओ एच माइनस, बोलो एच प्लस। H प्लस मतलब फाइनल सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक होगा। सो फाइनल सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। और कोई बोलेगा मोलारिटी ऑफ H प्लस क्या होगा फाइनल सॉल्यूशन में, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H प्लस कितना हो गया 0.2 था, उसमें से कितना खत्म हो गया तो 0.1, बिकॉज 1 मोल एच प्लस को 1 मोल ओ एच माइनस चाहिए होता है, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कितना है 0.2 लीटर, 100 ml प्लस 100 ml, दैट इज 0.1 / 0.2, दैट इज 1/2, दैट इज 0.5। सर ये लास्ट वाला समझ में नहीं आया, एक बार लिखो मैं समझाता हूँ। एक बार नोट डाउन करो, मैं बताता हूँ, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट में लिखो। सर हो गया,
देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके पास एक एसी डो होगा और एक बेस होगा। फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा उसके लिए आप नंबर ऑफ मोल ऑफ एच प्लस निकाल लो। नंबर ऑफ मोल ऑफ एच प्लस और ओएच माइनस निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम करने का जरूरत नहीं है, आप अपने इंडिविजुअल वैल्यू पे कैलकुलेट करो। जैसे एसिड का वॉल्यूम 100 ml था तो आप 100 ml पे ही कैलकुलेशन करो, यहाँ पे 100 ml था तो इसी 100 ml पे NaOH के लिए कैलकुलेशन करो। तो एसिड और बेस का इंडिविजुअल वैल्यू पे उसके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करो, यहाँ पे जैसे मैंने कैलकुलेट किया था। बट उसके पहले मोलारिटी ऑफ एच प्लस और ओएच माइनस कैलकुलेट कर लेना, बिकॉज एसिड के पास या बेस के पास एक से ज्यादा एच प्लस या ओएच माइनस हो सकता है। ठीक है, एक बार आपने नंबर ऑफ मोल ऑफ एच प्लस और ओएच माइनस कैलकुलेट कर लिया, जो भी ज्यादा है उसमें से कम वाला सब्ट्रैक्ट कर लो, वही आपका फाइनल बच जाएगा। तो जैसे एच प्लस 0.2 मोल है और ओएच माइनस 0.1 मोल है, मतलब 0.2 माइनस 0.1 कितना बचा, 0.1 मोल। तो 0.1 मोल कौन बचेगा, तो 0.1 मोल आपके पास एच प्लस बचेगा। सो फाइनल सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, क्यों, बिकॉज एच प्लस ज्यादा है। अब जो एच प्लस ज्यादा है उसका हमने मोलारिटी निकाल लिया, कैसे, तो कितना बचा 0.2 माइनस 0.1 दैट इज 0.1 मोल। और अब यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन का मोलारिटी निकाल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, फाइनल वॉल्यूम लेंगे। तो 100 ml प्लस 100 ml कितना हो जाएगा 200 ml, और 200 ml का मतलब क्या हो जाएगा 0.2 लीटर। तो 0.1 डिवाइडेड बाय 0.2 कितना हो जाएगा 0.5 मोलर, ये मोलारिटी ऑफ H+ होगा। क्लियर है, चलो इसको मैं फॉर्मूले के बेसिस से बता देता हूं। अगर फॉर्मूले के बेसिस पे करना है तो क्या करना होगा, M1V1 माइनस M2V2 इक्वल टू M इंटू V1 प्लस V2। पहले प्लस होता था, जैसे यहां पे देखो ये 0.2 कहां से आया, तो यहां से आया, और ये कैसे आया, तो M1 इंटू V1 आया। अब ये कैसे आया, तो N इंटू आया, तो यहां पे आप N1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, N1 N2 इससे भी कर सकते हो, H प्लस और OH माइनस दोनों का ही N फैक्टर 1 होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे N1 और N2 क्या है, N1 एंड N2 आर नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस रिलीज पर मोल वॉल्यूम किसका लेना, मतलब कहां पे लेने की बात कर रहे हो, वॉल्यूम इंडिविजुअल लो, ये इंडिविजुअल वॉल्यूम है और ये फाइनल वॉल्यूम है। यूनिट लीटर में भी ले लो, बाकी इसमें आप ml में भी लोगे तो सेम ही आंसर आएगा, बिकॉज सब में 1000 का फैक्टर कॉमन हो जाएगा। लीटर में लोगे तो भी आंसर आएगा, लीटर में लिखा मैंने 100 ml कितना हो जाएगा 0.1 लीटर हो जाएगा ना, और 200 ml 0.2 लीटर हो जाएगा।
चलो एक क्वेश्चन करते हैं न्यू सर, एक और एग्जांपल बता दे। लिखो 100 ml वन मोलर के एवेज टू 100 ml वन मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड 200 ml वन मोलर H2SO4 आर मिक्स टुगेदर फाइनल सॉल्यूशन विल बी एसिडिक और बेसिक। ट्राई करो मैं बताता हूं। दो एसिड है एक सॉरी दो बेस है और एक एसिड है, तो दोनों बेस में से OH माइनस निकालो और ऐड करो। एक तरफ एसिड है उससे H प्लस निकालो, देखो कौन ज्यादा है, H प्लस ज्यादा है या OH माइनस ज्यादा। प्रशांत का आंसर आया एसिडिक, बाकी लोगों का आंसर क्या है? प्रशांत नंबर ऑफ मोल ऑफ एच प्लस कितना आया? नंबर ऑफ मोल ऑफ एच प्लस कितना आया? बताओ नंबर ऑफ मोल ऑफ एच प्लस। सो मोलारिटी ऑफ एच प्लस इनटू वॉल्यूम इन लीटर। सो मोलारिटी ऑफ एच प्लस इज 2.5
टू इंटू वन बिकॉज इसके मोलारिटी में टू से मल्टीप्लाई करना होगा इंटू वॉल्यूम ऑफ लीटर इज 0.2 नंबर ऑफ मोल ऑफ ओएच माइनस इज नंबर ऑफ मोल ऑफ ओएच माइनस फ्रॉम केएच प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ ओएच माइनस फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ओएच माइनस इज 1 × 1 × 0.1 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना हो जाएगा 2 × 1 × 0.2 दैट इज 0.1 प्लस 0.4 दैट इज 0.5. सो कौन ज्यादा है नंबर ऑफ मोल ऑफ OH माइनस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल ऑफ H प्लस तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बोलो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा विल बी बेसिक अगर H प्लस और OH माइनस बराबर होता देखो इफ नंबर ऑफ मोल ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ओ एच माइनस देन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा न्यूट्रल बट अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ एच प्लस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल ऑफ ओ एच माइनस देन सॉल्यूशन विल बी एसिडिक एंड इफ नंबर ऑफ मोल ऑफ एच प्लस इज लेस देन नंबर ऑफ मोल ऑफ ओ एच माइनस then solution will be basic. Clear है? अच्छा अगर कोई यहां पे बोलेगा बताओ फाइनल सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा क्वेश्चन का चलो सेकेंड पार्ट कर देते हैं ये ए पार्ट था बी पार्ट फाइंड द मोलारिटी 0.1 ऑफ फाइनल सॉल्यूशन बोलने का मतलब है एच प्लस या ओएच माइनस तो ज्यादा कौन है ओएच माइनस तो मोलारिटी ऑफ ओएच माइनस निकलेगा दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ ओएच माइनस लेफ्ट डिवाइडेड बाई वी टोटल सो नंबर ऑफ मोल ऑफ ओ एच माइनस लेफ्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ओ एच माइनस लेफ्ट कितना है 0.1 ये 0.5 है और एच प्लस कितना है 0.4 दोनों के लिए देखो एच प्लस प्लस ओ एच माइनस क्या देता है एच प्लस प्लस ओ एच माइनस क्या देता है तो ये वाटर देता है एच प्लस प्लस ओ एच माइनस क्या देता है हमें वाटर देता है ठीक है तो एक मोल एच प्लस के लिए एक मोल ओ एच माइनस चाहिए मतलब 0.5 मोल के लिए 0.5 चाहिए तो नहीं है जितना कम है उतना ही है बच जाएगा सो 0.5 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 प्लस 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा 0.5 लीटर सो 0.1 बाय 0.5 0.2 मोलर ये आंसर हो जाएगा
नेक्स्ट वन इज मोलालिटी, और इसको आप स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हो। अगर मोलालिटी था तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से करते हैं, मोलालिटी को हम स्मॉल एम से करते हैं। अब देखो मोलालिटी इज इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। और ये किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड। यहां पे क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉलिड, और अगर सॉल्वेंट का वेट ग्राम में हो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू क्या आएगा 1000। ये आपका मोलालिटी का फॉर्मूला है। सर तो हम लोग यूज कौन सा करेंगे, दोनों में से जो मनी करे वो यूज करो। ये शॉर्टकट है, अगर छोटा फॉर्मूला याद रखना तो ये याद रख लो और उसी को एक्सपेंड कर दिया। नंबर ऑफ मोल तो ऐसे ही लिखोगे ना, ये फॉर्मूला रखो, ज्यादातर क्वेश्चन का डाटा इसी फॉर्म में आता है। बस याद रखना वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होता, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। इसमें कुछ भी डाउट आ रहा है तो पूछ लो, क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं बताता हूँ, फिर इसको नोट डाउन कर लो। सर ये नहीं समझ में आया क्या, लास्ट वाला वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन, इसमें क्या है, मतलब सॉल्यूशन कैसे बनता है? हाँ बताओ सॉल्यूशन कैसे बनता है, क्या मिक्स करना पड़ता है? अगर आपके पास कोई एक सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन है, अब मुझे उसमें वेट ऑफ वाटर निकालना है तो क्या करेंगे? सॉल्ट माइनस कर, वही तो किया है यहाँ पे, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट अच्छा। को हटा तो क्या बचेगा, सॉल्वेंट बचेगा, जो आपने डिजॉल्व किया है उसको रिमूव कर लो टोटल वेट में से, आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। सॉल्यूशन 500 ग्राम का है, उसमें सॉल्यूट 40 ग्राम है, मतलब 460 ग्राम कौन होगा, सॉल्वेंट होगा। हो गया,
ठीक है चलो क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ टेन परसेंट वेट बाई वेट इन इवन सॉल्यूशन। टेन परसेंट वेट बाई वेट को यूज करो और उसे सॉलिड और सॉल्वेंट का मास एक्सट्रैक्ट करो। बोलो 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ? टेन ग्राम ऑफ सोडियम मिक्स सोडियम कहाँ गया? हंड्रेड ग्राम ऑफ सोडियम, अरे वो NaOH। हाँ तो मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम NaOH जो है 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। हाँ सर। तो अब इससे मोलालिटी कैसे निकलेगा वो बताओ, फॉर्मूला देखो और उसको पुट करो। मोल्स निकाल के उसके बाद फॉर्मूले करो, कैलकुलेशन करो। सर किए तो है, आंसर आया 2.778। सही है, देखते हैं। 10 क्या फॉर्मूला था, वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना हो जाएगा, 40 इनटू 1000 और यहां पे वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना लिखेंगे बताओ, नाइन्टी। तो ये कितना आएगा, 10 × 1000 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 90, 2.77। हाँ बिल्कुल सही है तुम्हारा। और इस एम को बोलते हैं मोलल, हो गया सबका? क्या भाई चश्मा उश्मा पहन लिया तुम तो है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन इज 0.2। मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन इज 0.2। फाइंड द मोलालिटी ऑफ I2। इन बेंजीन अच्छा ये I2 इन बेंजीन का मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा क्या है इसका मतलब? I2 इन बेंजीन का मतलब क्या है? इसमें I2 क्या है, बेंजीन क्या है? I2 प्रेजेंट है बेंजीन। बेंजीन आपका सॉल्वेंट है, I2 आपका सॉल्यूट है। हाँ तो 0.2। ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट। बोलो मोल फ्रैक्शन का मैंने बेसिक मतलब क्या बताया था? बताओ मोल फ्रैक्शन का बेसिक डेफिनेशन क्या लिखाया था मैंने? मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस अपॉन, नहीं वो तो डेफिनेशन हो गया, मतलब क्या बताया था कि मैं क्या बोला था? क्वेश्चन बनाने के लिए बस इस मतलब को याद रखना, नंबर ऑफ मोल बोलो, नंबर ऑफ मोल बताओ, नंबर ऑफ मोल पर मोल ऑफ द मिक्सचर। ये तो फॉर्मूला हो गया रश्मि, नंबर ऑफ मोल बाय टोटल मोल, नंबर ऑफ मोल, ये फॉर्मूला हो गया। मोल फ्रैक्शन का मैंने मतलब बताया था कि याद रखना, मोल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ मोल ऑफ ए सॉल्यूट पर मोल ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ I2, ये था ना? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इज 0.2, इसका मतलब है 0.2 मोल ऑफ आयोडीन इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन और मिक्सचर। मतलब क्या हो गया, 0.2 मोल I2 हो गया और 0.8 मोल कौन हो गया, बेंजीन हो गया।
तो अब मोलालिटी के लिए क्या क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए केजी में, तो अगर ग्राम में होगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा। अब इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, तो ये हो गया 0.2, तो क्या लिखेंगे 0.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना है 0.8 इंटू मोलर मास कितना हो जाएगा 78। तो अगर मैं मोलालिटी के साथ फॉर्मूला बनाना चाहूं, मोलालिटी इक्वल टू, तो ऐसे लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले पे ये डाटा लिखा हुआ। हो गया, किसी को डाउट है तो बोलो। कितना आ रहा है 3.2 आ रहा है, एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ने जवाब ही नहीं दिया, मैंने पूछा था। हो गया ना सबका, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
फाइंड द मोलालिटी ऑफ टू मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन फाइंड द मोलालिटी ऑफ टू मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.84 ग्राम पर एम। चलो फिर से इस टर्म का मतलब निकालो, बोलो टू मोलर का मतलब क्या हुआ। जब तक मतलब नहीं निकालोगे, जो मतलब मैंने बताया था, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। टू मोलर एसिटिक एसिड का मतलब क्या हुआ, टू मोलर एसिटिक एसिड। बोलो कोई बताओ इसका मतलब क्या था, मोलारिटी का मतलब क्या था। टू मोल पर लीटर, बिल्कुल सही। टू मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो मोलालिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए और वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। अच्छा बताओ टू मोलर बोलने का मतलब, टू मोल पता है, मतलब ये वाला तो पता चल गया, बोलो आया ना। नंबर ऑफ मोलर सॉलिड कितना हो जाएगा, जितना मोलारिटी होगा। ठीक है, अब मेरे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। और वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सॉलिड। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां से निकाल सकते हैं, पर लीटर का मतलब क्या हुआ, 1000 ml, 1000 इंटू डेंसिटी दिया हुआ है 1.84 इंटू 1.84, यूनिट भी देखो ग्राम पर ml है और ये ml में ही है, माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा 2 इंटू मोलर मास ऑफ सॉलिड कौन है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का मोलर मास होता है 60, दैट इज 1840 माइनस 120। दैट इज 1720 ग्राम। दैट इज मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड दैट इज 2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी दैट इज 1720 डिवाइडेड बाय 1000, मतलब ऊपर पहुंच गया।
मतलब कितना आएगा 1.16। इसमें जहां पे भी डाउट है बताओ। सर ये 1.16 क्या इसमें डाउट क्या है भाई, तो कैलकुलेशन है। नहीं सर वो कह रहे थे आंसर 1.16 होगा। हाँ वो तो मैंने लिख दिया, मैं पहले लिख दिया। प्रोसेस समझो, प्रोसेस करने का, एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करने का ही क्वेश्चन आता है। हो गया सबका, कोई डाउट है तो बोलो यहाँ पे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। कैलकुलेट मोरालिटी ऑफ फाइव मोलर HCl सॉल्यूशन इफ डेंसिटी इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर एमएल। चलो ट्राई करो लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है।
कितना है 4.9। चलो देखते हैं, मोलालिटी इज इक्वल टू फाइव इंटू थाउजेंड बाई थाउजेंड इंटू 1.2 माइनस फाइव इंटू 36.5। 5000 डिवाइडेड बाय 1200 माइनस 36.5 इनटू 5 182.5। So 5000 divided by 1017.5 4.9 आ रहा है, 4.91। संत का सही है, प्योर कैलकुलेशन था, क्या दिक्कत हो गया? देखो फॉर्मूला आप ऐसे याद रख सकते हो, मुलर लिटी इज इक्वल टू मोलारिटी बाय 1000 डी माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉलिड। आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। सर हो गया, ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन इज पार्ट पर मिलियन, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं पीपीएम। सो क्वेश्चन लिखना, चलिए क्या होता है बता रहा हूं, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है, क्वेश्चन बोलता हूं। सो इसका थ्योरी लिखना, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट when concentration of solute is very low, then solute concentration is expressed in terms of पार्ट पर मिलियन। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लो देन सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पार्ट पर मिलियन। ऐसा आपको कहां पर देखने को मिलेगा, जैसे देखो अगर कोई वाटर सोर्स है, अब ये पता करना है कि ये पानी पीने लायक है या नहीं है, तो उसके लिए वहां पे हम क्या करते हैं, कुछ आयन्स का टेस्ट करते हैं, जैसे कि फ्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, फिर क्लोराइड आयन। तो इन सब आयंस का जो कंसंट्रेशन होता है, जो कि अलाउड है वाटर में, उन सब का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, तो उनको हम पीपीएम बोलते हैं, जैसे 20 पीपीएम। अब मान लो किसी का मोलारिटी अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो बहुत छोटा नंबर हुआ ना, तो इसके जगह पे वो पीपीएम में जब बोला जाएगा तो कोई एक सिग्निफिकेंट नंबर बोला जाएगा, हो सकता है वो 10 हो जाए, वो 100 भी हो सकता है। तो मिलियन का मतलब होता है 10^6, और पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है कि अगर कभी भी किसी सॉल्यूशन का आप 1 मिलियन पार्टिकल लो, और उस मिलियन पार्टिकल में अगर एक पार्टिकल जो है वो सॉल्यूट का मिले, तो कंसंट्रेशन को हम पार्ट पर मिलियन बोलते हैं। बस समझ में आ रहा है, इफ 1 पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट पर मिलियन पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन, देन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज 1 ppm। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? पहला तो इसका डेफिनेशन लिख लो, लिखो इट इज इक्वल टू, पार्ट ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, इट इज इक्वल टू पार्ट ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया पीयूष? ये पार्ट जो होता है वो वेट भी हो सकता है, वो मोल भी हो सकता है। समझ में आया बच्चा लोग?
अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पीपीएम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इन टू 10 to the power 6। वेट ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन वेट ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहां पे मैंने लिखा है वेट ऑफ सॉल्यूशन, इसके जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो पीपीएम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। बिकॉज अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है, बहुत लो कंसंट्रेशन में है, इसका मतलब है सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। सो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन की जगह आप लिख सकते हो इनटू 10 to the power 6। सर दोनों तो एक ही हुआ, दोनों एक ही हुआ तभी तो लिखा है एक जगह। वैसे देखा जाए तो नॉर्मल सॉल्यूशन में नहीं लिख सकते हो आप, ये सॉल्यूशन अलग होता है सॉल्वेंट अलग होता है, उसमें सॉल्यूट भी तो मिक्स होता है। तो जब आपके पास यहां पे डिफरेंस देखो, आपको दिखेगा डिफरेंस, ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है, दोनों सेम कैसे होते, दोनों डिफरेंट होता है। ये आप तभी लिख पाओगे जब आपका सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में है। बट कुछ सॉल्यूट के लिए नेग्लिजिबल अमाउंट ही क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। जैसे वाटर में इंप्यूरिटी और नेग्लिजिबल अमाउंट भी क्या होगा, अपने लिए बहुत हार्मफुल होगा। वाटर में कोई मिनरल हो वो नेग्लिजिबल अमाउंट में भी अपने लिए बहुत यूजफुल होगा। तो जब आपके पास सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो, उस केस में आप ऐसा यूज करते हो। सर क्वेश्चन दे रहे हैं? हाँ
चलो ट्राई करो। हो गया कितना आया 50 ग्राम। चलो देखते हैं। तो पीपीएम का फॉर्मूला था पीपीएम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहां पे वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखोगे, तो ये तो लीटर में है, आपका डेंसिटी किस में, ग्राम पर एमएल में है, तो लीटर को एमएल में कन्वर्ट करना होगा। वॉल्यूम इन एमएल इंटू डेंसिटी इन ग्राम पर एमएल, तब आपका मास जो होगा वो ग्राम में आएगा। तो वॉल्यूम हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 to the power 6 लीटर हो गया, उसमें 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये एमएल में आया, और इंटू 1 दैट इज 10 to the power 9 ग्राम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 to the power 9 इंटू 10 to the power 6। सो वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 50 into 10 to the power 3 ग्राम, दैट इज 50,000 ग्राम, दैट इज 50 kg।
बोलो ग्राम कैसे आया था भाई तुम लोगों ने कार्बन थर्मल कैलकुलेशन किया था? सर मेरा सही है। क्या आया था आप लोग का? यूनिट गड़बड़ है, 50 ग्राम और 50 केजी में बहुत डिफरेंस होता है, 1000 गुना ज्यादा है। 10^9 कैसे आया? बिकॉज यहां पे अगर वेट आपको ग्राम में चाहिए तो ये भी ग्राम में होना चाहिए, और अगर ये केजी में होना चाहिए तो ये भी केजी में होना चाहिए। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इज पीपीएम इनटू वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 10^6। सो वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम हो गया आपके पास 10^6 लीटर, 1 लीटर इज 1000 ml मतलब इनटू 10^3, और डेंसिटी हो गया 1 g/ml मतलब इनटू 1 मतलब हो गया ये 10^9 g, और 10^9 को इसलिए हमने यहाँ पे पुट किया। समझ में आया प्रशांत? मजलग हो गया? तुमने आंसर लिखा था अभिषेक? तो फिर तुम्हारा सही था गलत था कैसे पता चलेगा? सर हम आंसर नहीं लिखे थे पर हम सॉल्व किए थे। ठीक है ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं। इफ कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इज 35 ppm then calculate percentage weight by weight of Cl minus N. चलो जल्दी से इसका बताओ तो आंसर, देखो इसका रिलेशन मैं लिख देता हूं यार। पीपीएम इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10^6, और परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या था? वेट ऑफ सॉल्यूट by weight of solution into 10^6। तो यहां पे अगर हम ऐसे लिखते हैं weight of solute by weight of solution into 10^2, बड़ी गलत लिख गया यहां पे,
इंटू 10^4, तो ये क्या हो गया, ये परसेंटेज वेट बाई वेट हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, ppm इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू 10^4। तो क्वेश्चन में ppm दिया हुआ है 35, तो परसेंटेज वेट बाई वेट क्या हो जाएगा, इंटू 10^4, दैट इज परसेंटेज वेट बाई वेट इज 35/10^4, दैट इज 0.0035। ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चा लोग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो फिर, नेक्स्ट क्लास अभी मेरा 10 मिनट बाद। चलो फिर, बाय बाय। इसको नोट डाउन कर लेना। बाय बाय। सर हो गया, आंसर आ गया। हेलो।